मेरी उम्र 70 साल हो चुकी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक वाहिद रहनुमा मिला है जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि जो आपको दूसरों में नहीं इमरान खान में दिखती है? एब्सोल्युटली नॉट। मैं गिलगित से आया हूँ स्पेशली जलसे के लिए अपनी फैमिली को लेकर। अगर वो सिगरेट मैं 5 रुपए की करवाऊँ तो मैं कहता हूँ मैं तेरी चुम्मी ले लेनी है। इमरान खान के लिए तो हम यहाँ से लंदन जाने के लिए तैयार है, ये तो सिर्फ कराची है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। और मेरा ख्वाब है अल्लाह एक दिन पाकिस्तान को वो मुल्क बना जिधर बाहर की दुनिया से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। माजी साहब आप नहीं चल रहे? इमरान खान देख, हम तेरे इश्क में कोई टुटा है, कोई लंगड़ा है, कोई लंगड़ा सारे आ रहे। अच्छा जी, अभी हम पेट्रोल पंप पे रुके, पीछे वो पेट्रोल भरवा रहे हैं और अभी तो फिलहाल मतलब रोजा है मुझे, लेकिन मैं बहुत आगे की सोचता हूँ। तो अभी मैं गया हूँ टक शॉप पे, ये ओपन है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ कोई बिस्किट शिस्किट वगैरह। जरिए फिर जब रोज़ा शोजा खोलेंगे ना तो उसके बाद ये चीज़ें काम आएंगे। अभी जो है ना थोड़ी गहरी सोच रखने वाले बंदे हैं। नहीं नहीं है, पैसा बहुत है यार। अच्छा? इमरान खान हम आ रहे हैं। इमरान खान, अच्छा यार अभी अजान हो रही है, रोज़ा खुल गया तो हम रस्ते में रुक गए ऑफिस में, कज़न के ऑफिस में है, अभी इधर रोज़ा खुल गए। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी रोज़ा खोल लिया हमने। नसीब की बात होती है कि कहाँ पर जो है ना इंसान का जहाँ पर रिज़्क लिखा होता है ना वहाँ पर उसको मिलके रहता है। तो हमने अभी जो है फैसल मूवर्स, तो यहाँ पर मतलब मेरा मामू और मामू का कज़न, ठीक है, वो यहाँ पर होते हैं, उसके पास हमने आके रोज़ा खोला। सामने से गुजर रहे थे हम यूँ, तो हमने सोचा कि यार वैसे भी 1-2 मिनट पड़े, बेसिकली हम यहाँ पर पहुँचे और अजान हो गए तो यहाँ पर हमने रोज़ा खोल लिया। अब चले उधर, बहुत सारी बातें हो गई। अभी हम फाइनली इंटर हो चुके हैं और मैंने बैग इस वजह से उल्टा पहना है। भैया देखो कुछ भी करो कराची है, चीजें जाते हुए देर नहीं लगती। तो हम किसके साथ हैं? थोड़ा जोर से बोलो, इमरान खान। अच्छा जी, एक और भाई मेरे साथ हैं अभी, अपना नाम बताएं। सईद आलम है। किधर से आए आप? मैं गिलगित से आया हूँ स्पेशली जलसे के लिए अपनी फैमिली को लेकर। अच्छा, फैमिली वहाँ अंदर है लेकिन सिक्योरिटी ने मुझे छोड़ा नहीं हमारे बात की वजह। बिल्कुल। अच्छा, और क्या ये जलसा देखकर आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या कहना चाहते हैं आप? भाई ये देख कर ऐसा लग रहा है की आज पूरा कराची जो है बाहर आ चुका है। मतलब जबकि गिलगित से लोग आ सकते तो कराची क्यों नहीं आ सकता? आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? तो इमरान खान के बारे में आपके क्या ओपिनियन है? इमरान खान एक सच्चे है, बहादुर है, ठीक है, किसी के सामने झुकते नहीं है। इया कन अबुदु वही या कन अस्तईन उसका शुरू से ही नारा है, तो इसलिए वो ना हमें किसी के आगे झुकने देगा और ना खुद झुकेगा। बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शामिर। किधर से आए आप? हम करोड़ पक्का से आए। करोड़पक्का? करोड़पति सुना, करोड़पक्का ये मुल्तान से आगे शहर है करोड़पक्का। अच्छा, आप पहले से कराची में मौजूद थे या जलसे की वजह से आए? जलसे की वजह से आए खाली। मतलब क्या क्या आपको ऐसा नजर आया कि यार मुझे जाना चाहिए इधर? जाना चाहिए इमरान खान के लिए तो हम यहाँ से लंदन जाने के लिए तैयार है, ये तो सिर्फ कराची है। ऐसी क्या क्वालिटी है कि जो आपको पसंद है इमरान खान की? सच्चा लीडर है और ईमानदार है, किसी आगे झुकता नहीं है, इन चोरों की तरह नहीं है, एमकेएम वालों की तरह नहीं है कि पैसों में बिक जाए। जरदारी तो है ही चोर उनके बारे में, तो उनकी पूरे खानदान की हिस्ट्री है। और पीएमएल मेरे सारे दोस्त पीपी वाले मुझे गालियां दे रहे होंगे। नहीं नहीं, पीपी वालों की बात नहीं, पीपी वालों को भी यही कहना चाहूंगा कि अपनी आंखें खोलें। आंखें खोलें, तब तक जो आंखें बंद करके रह गए भुट्टो साहब के नाम पे वो बेवकूफ बनाते रहेंगे आप लोगों को। बात है भुट्टो साहब पूरा खानदान चलेगा, लेकिन ये जरदारी खानदान है, पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो असल होती थी, ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे। बिलावल भी जो है वो भुट्टो भुट्टो नहीं है, वो जरदारी है। और ये जो है ये हमारे साथ आए करोड़ पक्का से, ये आए ये आए ये डेरा गाजी खान से आए ये, और वो भाई है लाहौर से आए, वो इस्लामाबाद से आए, इस तरह हम लोग सब जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आधा गंजा आधा खबीज नवाज शरीफ नवाज शरीफ। आधा गंजा आधा खबीज नवाज शरीफ नवाज शरीफ। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। मेरा नाम समीर है। किधर से आए आप? मैं इधर कराची से ही हूँ। कराची से फिर आए क्यों? यार मेरा दिल कर रहा था, मैंने इमरान खान के जलसे में जाना था। क्यों? मतलब क्या आपको ऐसी क्या सूझी यार मैंने इमरान खान? यार मैं भाई मैं बस आपसे ज्यादा कुछ नहीं, मैं कहूँगा कि गोल्डिप दस्का कर दे भाई। भाई 12 रुपए की सिगरेट होगी है, उसके लिए 20 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। अगर वो सिगरेट मैं 5 रुपए की करवाऊँ तो? मैं कहता हूँ मैं तेरी चुम्मी ले लेनी है। मैं कह रहा हूँ चलो चलो ये जज्बा बहुत अच्छा है, ऐसे ना जो है ना नसवार भी सस्ता करो। ये अपने साथियों के साथ जोश लेकर फिर रहा है। और मैं कह रहा हूँ की इमरान खान को वापिस आना चाहिए। आना चाहिए, चोरों को पाकिस्तान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, हम पीटीआई जलसा पे हैं कराची में। आप एक दफा लोगों का जोश देखे घुमा के कर दिखा। ये ना कोई लाया है, ना कोई बस है, ना कोई ट्रक है, ना कोई बिरयानी है। ये पाकिस्तानी बाहर निकले हैं एक कौम की तरह। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है, क्या करते हैं आप इस बॉडी बनाने के लिए? कुछ नहीं मेरे भाई, हलाल खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वो तो मुझे नहीं लगता सभी खाएंगे, मेरा बोलना गलत होगा कि सभी खाते हैं। मेरे जितने भाई हैं सारे मुझे उम्मीद है कि हलाल ही खाते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हलाल ही खाना चाहिए भाई, हराम मना है। हम लोग इस तरह की हुकूमत में, अब जो हुकूमत आ गई है इसके तो बड़ी शदीद खिलाफ है। भिखारी हुकूमत नहीं चाहिए हमें, और हम लोग पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हैं हमेशा से। वो एक वाहिद लीडर है जिसने सारी कौम को दोबारा एक जगह इकट्ठा किया है। छोटे हो बड़े हो, इससे पहले सियासत के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जितना लोगों के अंदर शऊर आया है सियासत के हवाले से, लोगों को सही और गलत का पता चला है, वो इस इमरान खान ने ही किया है। हम लोग इमरान खान के साथ हैं हमेशा और दिलो जान से उसके साथ हैं आखिर तक। वी आर बैक विद यू स्पीकर। थैंक यू सो मच। इससे पहले आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते थे? हमेशा इमरान खान को किया भाई। इमरान खान तो मेरा ख्याल है तो मैंने अभी देखा है। आपने अभी देखा है, बट इमरान खान स्टार्टिंग से ही हक के लिए लड़ा है, तो हमने उसको स्टार्टिंग से ही उसका साथ दिया है और आज भी इसके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। अच्छा, ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि जो आपको दूसरों में नहीं इमरान खान में दिखती है? एब्सोल्युटली नॉट। जो है इमरान खान साहब को ये बोलना चाहूंगा कि अगली दफा जो अपनी टीम सिलेक्ट किएगा तो खुदारा ऐसी टीम सिलेक्ट करिएगा जो बिके ना। आप खुद जो है ऐसी टीम करेगा जो करोड़ों रुपए में बिके ना, और जो आपसे लॉयल हो, बस ये रिक्वेस्ट है। आम लियाकत के लिए गाली निकालना भी बेकार है। ऐसे आदमी के बारे में बात क्यों? टाइम खर्च करने से फायदा क्या है मेरे भाई, मुझे बताओ। बिल्कुल। अच्छा एंड में बोलो, अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, जिसको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है फिलहाल बिला वजह उसके बारे में बात करके फायदा क्या? चलो एंड में, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। मसरूर अहमद नाम है मेरा, यही कराची का रहने वाला हूं। अच्छा, ऐसी क्या क्वालिटी आपको इमरान खान में नजर आई कि आपने सोचा कि यार जाना चाहिए? मेरी उम्र 70 साल हो चुकी है और मैं 70 साल में पूरे इन रहनुमाओं को देख चुका हूँ पिछले दौर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक वाहिद रहनुमा मिला है जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इमरान खान के बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी तरफ से, या आप चाहते हैं कि यार ये चेंजेस आने चाहिए हमारे मुल्क में? सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को हक पे खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। और चोरों और लुटेरों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। मुल्क को हमने बर्बाद कर दिया है, 70 साल में हमारा मुल्क नहीं बन पाया। बिल्कुल ना, तो अब ये मौका मिला था, मगर साजिशें होती रही हैं, आलमी साजिशें होती रही हैं, अंदरूनी साजिशें होती रही हैं, और एक जो अच्छा लीडर मिला है उसको गिराया गया है साजिश के तहत। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, तो कौम को इसको सपोर्ट करना चाहिए जरूर। तो एंड में मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अंकल के लिए ताली हो जाए। बेईमानी बहुत हो चुकी, मनमानी गैस बिजली और पानी की परेशानी बहुत हो चुकी, महंगाई बहुत हो चुकी, रुसवाई आ गई रहनुमाई एक तूफानी। अपनी जिम्मेदारियों को तुम जान लो, गौर से इन लुटेरों को तुम पहचान लो।
अब गरीब ना रोएगा, इंसाफ ना होएगा।